मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही सुंदर कविता, जो राम नरेश त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है और इसका शीर्षक है स्वदेश प्रेम। ये स्वदेश प्रेम यानी अपने देश के प्रति प्रेम भावना पर आधारित एक कविता है जो मात्रिक छंद में लिखी गई है और इस पूरी कविता में वीर रस का प्रयोग हुआ है। और अगर भाषा की बात की जाए तो इसमें कुछ संस्कृत शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली भाषा में ये लिखी गई है और शैली की अगर बात की जाए तो इसमें भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो ये तो हुआ इसका काव्यात्मक सौंदर्य। अब चलिए शुरू करते हैं। कविता से अब जो पहला इसका पद है, इसमें कवि ने श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने भारत के जो गौरवपूर्ण अतीत रहा उसके बारे में बताया है। और तो इस पर कवि क्या कहते हैं सुनिए। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। दिवाकर माने होता है सूर्य। अतुलनीय यानी जिसकी तुलना न की जाए, यानी कवि कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज रहे उनको याद करो। अतुलनीय जिनके प्रताप का, कि जिनके अतुलनीय यानी जिनके प्रताप से, जिनके शौर्य से, जिनके तेज से किसी की तुलना नहीं हो सकती, उसके प्रताप का जो साक्षी रहा है, गवाह रहा है, वो सूर्य रहा है। प्रत्यक्ष दिवाकर माने जो प्रत्यक्ष सूर्य है जो रोज निकलता है, वह हमारे पूर्वजों के उस अतुलनीय प्रताप का साक्षी रहा है। घूम घूम कर देख चुका है जिसकी जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। निशाकर माने होता है चंद्रमा, निर्मल माने स्वच्छ, कीर्ति माने यश। तो घूम घूम कर देख चुका है जिसकी जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, यानी चंद्रमा भी हमारे पूर्वजों के उस निर्मल कीर्ति को घूम घूम कर। अब घूम घूम कर देखने का अर्थ यह है कि चंद्रमा पूरे विश्व में घूम चुका। अब कहने का अर्थ है, चंद्रमा के घूमने का अर्थ ये हुआ कि चंद्रमा जो महीने भर में अपनी स्थितियां बदलता है, उन स्थितियों के अनुसार ये चंद्रमा पूरे विश्व में घूम घूम कर हमारे पूर्वजों की, चूंकि यहाँ पूर्वजों की महिमा कही गई है, अब भारत का गौरवशाली अतीत का वर्णन किया है, तो जब भी गौरवशाली अतीत की बात करते हैं तो हम पूर्वजों के माध्यम से ही करते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे, उनका जीवन कैसा था, उनकी उपलब्धियां कैसी थी, तो उसी की बात यहाँ हो रही है। तो कवि कह रहे हैं अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, कि प्रत्यक्ष सूर्य जिनके प्रताप का साक्षी है और जिनकी निर्मल कीर्ति को निशाकर माने चंद्रमा भी घूम घूम कर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर देख चुका है। वे हमारे पूर्वज देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। अनंत माने जिनकी संख्या निश्चित ना हो, अनंत तारागण माने तारों का समूह। और ये जो आकाश में नभ में, नभ माने आकाश में जो अनंत तारागणों का समूह है ना, ये तारे हैं, ये भी हमारे उन पूर्वजों के वैभव को देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। और ये नभ, नभ माने आकाश, अगणित माने जिसकी गणना ना हो सके, ये जो आकाश है ये हमारे पूर्वजों के विजय घोष रण गर्जन, यानी हमारे पूर्वजों की जो विजय घोष माने गर्जना, और रण गर्जना माने रण गर्जना का अर्थ होता है युद्ध में जो उन्होंने गर्जन किया, यानी हमारे पूर्वजों की जो विजय घोष, जो विजय उत्सव थे वे, और युद्ध में जो उनकी गर्जनाएं थी, उनका जो शौर्य था वो, इन सब के बारे में ये आकाश भी अगणित बार, जिसकी कोई संख्या नहीं है, इतने बार सुन चुका है। अर्थात कवि के कहने का अर्थ है कि हमारे, देखो पहली दो लाइन में बताया गया है कि पूर्वजों के अतुलनीय प्रताप के बारे में, फिर अगली दो लाइन में बताया गया है निर्मल कीर्ति के बारे में, फिर अगली दो लाइन में बताया गया है वैभव के बारे में, और अगली लास्ट की दो लाइनों में इसमें बताया गया है पूर्वजों के विजय घोष के बारे में और रण गर्जन के बारे में। तो ये सब हमारे पूर्वजों की उपलब्धियां रही, जिनका साक्षी स्वयं सूर्य रहा, चंद्रमा रहा, तारागण रहे और ये आकाश रहा। समझ गए आप पूरे का अर्थ? आई थिंक आप सभी लोग समझ गए हो। बहुत ही सुंदर कविता है कि उनके अतुलनीय प्रताप का साक्षी सूर्य,
और उनकी निर्मल कीर्ति का साक्षी चंद्रमा, उनके वैभव का के साक्षी ये आकाश के अनंत तारागणों का समूह, और उनके विजय घोष और रणगर्जन का यानी युद्ध में जो उन्हें उन्होंने जो गर्जनाएं की उनका साक्षी कौन, उनको कौन सुन चुका है? आकाश। इस तरीके से हमारे पूर्वज थे कि जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं अगले पद की। अगले पद में भी पूर्वजों की महिमा बताई गई है, और तो ये पद बड़ा अच्छा है, इसको सुंदर है, इसको समझिए अच्छे से। अब इस पद में क्या कहा गया? शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। अब दिव्य देश, समझे, गौर से समझे, शोभित है माने सुशोभित है, सर्वोच्च मुकुट से, सर्वोच्च सबसे ऊंचा मुकुट हमारे देश का, यानी हमारे पूर्वजों का जो देश है कौन, भारतवर्ष, भारतवर्ष का जो मुकुट है, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। दिव्य देश, हमारे भारत को दिव्य देश कहा जाता है। दिव्य देश क्यों? क्योंकि हमारे भारत में बड़े बड़े दिव्य अवतार हुए, महापुरुष हुए, हमारे पूर्वज बहुत महान थे, योगी थे, यति थे, तपस्वी हुआ करते थे। तो हमारे इस पूर्वजों के इस दिव्य देश अर्थात भारतवर्ष का जो मस्तक है वो किससे शोभित है? सर्वोच्च मुकुट से, अर्थात हिमालय से। समझ गए होंगे आप, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। कि कवि कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों के विजय गीतों से अभी तक सारी दिशाएं गूंज रही, अर्थात सभी दिशाओं में अभी तक उनके विजय गीतों की गूंज सुनाई देती है। फिर आगे कवि कहते हैं जिनकी महिमा का है अविरल, अविरल माने निरंतर, साक्षी सत्य रूप यानी सत्य रूप वाला, हिम माने बर्फ से ढका, गिरी माने पर्वत, वर माने श्रेष्ठ, कि सत्य रूप वाला हिमगिरी यानी हिमालय, वर माने श्रेष्ठ, कि सत्य रूप वाला श्रेष्ठ हिमालय साक्षी है। किसका साक्षी है? हमारे पूर्वजों की अविरल महिमा का यानी निरंतर महिमा का। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि जिनकी महिमा का है अविरल, साक्षी सत्य रूप हिमगिरी वर। अब आगे कभी कहते हैं उतरा करते थे विमान दल, कि हमारा देश इतना महान रहा और विदेशियों के लिए इतना आकर्षक रहा कि उतरा करते थे विमान दल, विमानों के समूह, दल माने समूह, जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, जिसके, अब जिसके शब्द यहां प्रयोग किया गया है देश के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, विस्तृत माने विशाल, वक्ष स्थल माने छाती पर। कि कभी कह रहे हैं कि हमारे देश की कीर्ति को सुनकर विदेशों के विमान आया करते थे, भारत की विस्तृत भूमि पर उतरते थे अन्य देशों के विमान भी हमारी देश की कीर्ति से, हमारे देश से आकर्षित होकर। तो फिर से समझे जाए इस पद को, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, कि हमारे पूर्वजों के दिव्य देश अर्थात भारत का मस्तक सर्वोच्च मुकुट से शोभित है, सुशोभित है यानी हिमालय से सुशोभित है, और गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का है अविरल, साक्षी सत्य रूप हिमगिरी पर, यानी जिनकी महिमा का निरंतर साक्षी है कौन, सत्य स्वरूप वाला हिमालय, श्रेष्ठ हिमालय पर्वत, और उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, कि जिसके विस्तृत अर्थात विशाल वक्ष स्थल पर विमान दल उतरा करते थे, था विदेशियों के विमान दल भारत की कीर्ति से आकर्षित होकर। ऐसा है हमारा देश, हमारे पूर्वज। अब अगला पद देखें, तीसरा है सागर निज छाती पर जिनके, सागर निज छाती यानी अपनी छाती पर जिनके अगणित माने अशंक अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित, प्रमुदित माने प्रसन्न होकर, प्रमुदित मन से यानी प्रफुल्लित होकर, भूमंडल के सकल तटों पर, सकल माने संपूर्ण, भूमंडल माने धरती, कि धरती के संपूर्ण तटों पर। अब कवि कहते हैं कि हमारे पूर्वजों की, यहां भी पूर्वजों की महिमा का वर्णन किया है, कि कहते हैं कि सागर भी हमारे पूर्वजों की महिमा से बहुत प्रभावित था, और हमारे पूर्वजों की कीर्ति ऐसी थी, इतना उनका प्रभाव था, इतना गौरवपूर्ण उनका इतिहास रहा, कि स्वयं समुद्र सागर भी अपनी छाती पर अगणित माने जिनकी कोई संख्या नहीं, अर्णव पोत, अर्णव पोत का मतलब होता है समुद्री जहाज,
यानी सागर हमारे पूर्वजों के समुद्री जहाज को उठाता था, अपनी छाती पर ढोता था और पहुंचाया करता था, यानी हमारे पूर्वजों को व्यापार देश विदेश फैला था जो समुद्री मार्गों से होता था। और ये सागर कहाँ पहुंचाया करता था हमारे अर्णवपोत को, हमारे पूर्वजों के अर्णवपोत यानी समुद्री जहाजों को, भूमंडल के सकल तटों पर, यानी इस धरती में जितने भी सागर तट है समस्त समस्त सागर तटों पर पहुंचाया करता था। और आगे कभी कहते हैं, नदियां जिसकी यश धारा सी, और जो ये जो नदियां है ना, वो हमारे पूर्वजों की यश धारा, यानी हमारे पूर्वजों की जो कीर्ति है वो एक धारा के समान, जैसे नदी की धारा होती है ना, वैसे ही बहती है अब भी निशि वासर, निशि माने रात और वासर माने दिन, कि रात दिन हमारे पूर्वजों की यश धारा यानी कीर्ति रूपी धारा नदियों के रूप में आज भी रात दिन बह रही। ढूंढो, और कभी कहते हैं ढूंढो ढूंढ लो, उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। और कभी कहते हैं, इन्हीं नदियों और इन्हीं समुद्रों के तट पर अगर तुम पूर्वजों से कुछ सीखना चाहते हो, उनके व्यवहार से कुछ आज भी पाना चाहते हो, उनकी कीर्ति को, उन जैसी कीर्ति को प्राप्त करना चाहते हो, तो इन्हीं नदियों और समुद्र के तटों पर जाके खोजो, मिल जाएगी। यानी अगर प्रयास करोगे तो उन जैसी उनकी कीर्ति की झलक तुम्हें आज भी इन्हीं तटों पर और इन नदियों की धारा में मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये तीसरा पद हुआ। अब बढ़ते हैं चौथे पद की ओर। इस पद में बताया गया है कवि ने कि व्यक्ति चाहे जिस परिस्थिति में रहे, चाहे जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहे, इस पृथ्वी का हर एक व्यक्ति, हर एक देश में रहने वाला अपनी मातृभूमि के प्रति एक विशेष प्रेम रखता है। यानी वो किसी भी परिस्थिति में रहकर भी अपने देश से उसका प्रेम कम नहीं होता। उसी के बारे में इधर चर्चा की गई है, तो समझे जरा। कवि कहते हैं, विषुवत रेखा का वासी जो, कि जो विषुवत रेखा के वासी हैं, अर्थात जो विषुवत रेखा में रहते हैं, यानी विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र जो बहुत गर्म होता है, जीता है नित हाँप हाँप कर, यानी जो विषुवत रेखा के आसपास रहते हैं वहां बहुत गर्मी होती है, तो वहां जो रहने वाले लोग होते हैं वो बहुत हाँप हाँप कर जीते, अर्थात गर्मी में किसी तरह जीवन बिताते हैं। फिर आगे कवि कहते हैं, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, यानी विषुवत रेखा का वासी भी इतनी गर्मी में रहते हुए भी अपनी मातृभूमि में अनुराग माने प्रेम, मातृभूमि के प्रति अलौकिक प्रेम रखता है, दिव्य प्रेम रखता है, अर्थात मातृभूमि से प्रेम रखता है, उसे प्रेम करता है, अर्थात वो अपनी भौगोलिक परिस्थिति से घबराकर उस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाता कि देश से पलायन कर जाए, बल्कि वहीं रहकर अपने देश के प्रति प्रेम बरकरार रखता है, बनाए रखता है। आगे कभी कहते हैं, ध्रुववासी यानी वे लोग जो ध्रुव के आसपास रहते हैं, ध्रुवों के आसपास, जो हिम में तम में, यानी जहां बहुत हिम पड़ती है और तम अंधेरा रहता है, क्योंकि सर्दी बहुत रहती और कोहरा रहता है, धुंध रहता है, तो वहां दिन रात का अंतर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो ध्रुववासी होते हैं वहां दिन रात का कोई अंतर पता नहीं चल पाता, जहां बहुत ठंडे प्रदेश है, क्योंकि हमेशा धुंध छाई रहती, कोहरा छाया रहता, सूर्य निकलता नहीं विशेषकर, तो जी लेता है कांप कांप कर, वहां के लोग भी कांप कांप कर जी लेते हैं, यानी वे भी वहां रहकर जिस देश के निवासी होते हैं उस देश के प्रति अपने प्रेम को बरकरार रखते हैं, भले ही वो किसी परिस्थिति में रहे, चाहे सर्दी को झेले, चाहे कोहरे को झेले, चाहे अंधकार को झेले, तम माने होता है अंधकार, और कांप कांप कर जीकर भी अपने देश के प्रति अपने प्रेम को बरकरार रखते हैं, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर, यानी ध्रुववासी भी अपनी मातृभूमि पर अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं। अब इस तरीके से इस पद में कवि ने देश प्रेम के लिए बताया कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में रहकर अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम को बरकरार रखता है। अब बात करते हैं अगले पद में। तो अगला पद क्या है, इसमें इसमें कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की एक प्रेरणा प्रदान की है, तो समझे जरा। तो कवि कहते हैं, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद। अब कवि हमें ही कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को कहते हैं, तुम तो हे प्रिय बंधु, हे प्यारे भाई, स्वर्ग सी सुखद, यानी स्वर्ग के समान सुखद, सुख देने वाली, सकल माने संपूर्ण विभवो
विभव का मतलब होता है वैभव, सुख। आकर माने होता है खान, कि तुम तो स्वर्ग सी सुख देने वाली संपूर्ण वैभवों की खान, धरा शिरोमणि मात्र भूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। कि कभी कहते हैं कि हे मेरे प्रिय बंधु, मेरे भाई, तुम तो धन्य हो गए उस धरा शिरोमणि, यानी इस पूरी धरती में जो शिरोमणि है कौन, भारत देश, उस भारत देश जैसी मातृभूमि में तुम जन्म पाकर धन्य हो गए, जो स्वर्ग सी सुखद है और सकल सकल माने संपूर्ण विभवों की आकर है माने खान है, उसमें तुम जन्म लेकर धन्य हो गए। अब आगे कवि क्या कहते, तुम जिसका जल अन्य ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज। और कवि कहते हैं तुम इतने धन्य हो गए कि तुम उस धरा शिरोमणि अर्थात पूरी धरती में सबसे श्रेष्ठ हमारी भारत भूमि में तुम जन्म लेकर, जो स्वर्ग की स्वर्ग सी सुखद है और संपूर्ण विभवों की आकर, उसमें तुम जन्म लेकर धन्य हो गए, क्योंकि तुम उसके उसके तुमने जल को ग्रहण किया, उसके अन्न को ग्रहण किया, और उसकी तुम रज लेकर अर्थात उसकी धूल में, तुम रज लेने का अर्थ है धूल में खेलना, उसकी धूल में खेल कर तुम बड़े हुए हैं, उसी का तुमने अन्न खाया, उसी का तुमने जल पिया, तो तुम धन्य हो गए, क्योंकि तुम भारत जैसी पवित्र भूमि पर जन्म लिए हो। अब आगे कभी क्या कहते हैं, तन रहते कैसे तज दोगे। और कभी कहते हैं कि तन रहते, कि जब तक तुम्हारा तन है, शरीर है, उसके रहते तुम कैसे तज दोगे अर्थात छोड़ दोगे उसको, हे वीरों के वंशज, कि हे वीरों की वंशज अर्थात हे पराक्रमी वीर पूर्वजों के वंशज, हम जो है वो पराक्रमी, हमारे पूर्वज बड़े पराक्रमी और वीर रहे, तेजस्वी रहे, ओजस्वी रहे, हम उनके वंशज हैं, तो ये शरीर रहते हम कैसे अपनी मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम त्याग देंगे, त्याग ही नहीं सकते। आगे बढ़े अगले पद में, अगले पद में कवि क्या कहते हैं, तो इस पद में भी कवि ने इसमें बताया है कि हमें स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए, यानी हर तरीके से अपने गौरव की रक्षा में करनी चाहिए। तो अब कवि क्या कहते हैं समझे, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब होता है शेष, एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलके, ऊंचा सिर ऊंचा मन। कि कवि यहां सलाह देते हैं कि जब तक तुम्हारे साथ एक भी दम हो, यानी तुम्हारे शरीर में जब तक ताकत है, और हो अवशिष्ट, अवशिष्ट माने शेष, और शेष बचा हो क्या, एक भी धड़कन, और तुम्हारे शरीर में हृदय में एक भी धड़कन शेष है, तब तक रखो आत्म गौरव से, यानी अपने आत्म गौरव की तुम रक्षा करो, और आत्म गौरव से ऊंची पलके रखो, ऊंचा सिर रखो, ऊंचा मन अर्थात श्रेष्ठ मन रखो, कि जब तक एक भी दम हो, एक भी धड़कन शेष हो, तब तक अपने आत्म गौरव यानी स्वयं के गौरव की रक्षा करो, अपनी सम्मान से अपनी पलके ऊंची रखो, सिर ऊंचा रखो, मन ऊंचा रखो। आगे देखें, आगे कभी क्या कहते, एक बूंद भी रक्त शेष हो, जब तक मन में हे शत्रुंजय, यानी शत्रुओं को जीतने वाले भारतवासी के लिए कहा गया है कि हे शत्रुओं को जीतने वाले भारतवासी, कि एक बूंद भी रक्त शेष हो, जब तक मन में हे शत्रुंजय दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। कि जब तक एक भी बूंद तुम्हारे शरीर में शेष है, तब तक मन में हे शत्रुंजय, कि जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी बूंद शेष है, तब तक मन में हे शत्रुंजय दीन वचन मुख से न उचारो, उचारो माने कहो, कि मुख से दीन वचन यानी हीनता के वचन मत कहो, कमजोरी के वचन मत कहो, और मन में क्या ना मानो, नहीं मृत्यु का भी भय। यहाँ मन में जो शब्द प्रयोग किया गया है वो मृत्यु के भय के लिए प्रयोग किया गया, कि तब तक तुम अपने मन में मृत्यु के किसी भी प्रकार के भय को मत मानो, यानी मृत्यु से डरो नहीं, कि जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी बूंद रक्त शेष है तो तुम डरो नहीं किसी भी तरीके से, और अपने मन में मृत्यु का भय मत मानो, और दीन वचन यानी हीन भावना भी मन में मत लाओ, क्योंकि जो मृत्यु है वो एक चक्र के तहत चलती है, यानी मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जल, मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए तुम मृत्यु से डरो नहीं। अब आगे देखें अगले पद में कभी क्या कहते हैं, अब अगला जो पद है उसमें कभी बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें मृत्यु का सामना करना चाहिए, अर्थात हम मृत्यु से डरे नहीं, निर्भय होकर मृत्यु का सामना करें। इस पद में
कवि ने ये बताया है। तो देखें कवि क्या कहते हैं, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। कि कवि कहते हैं कि हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल के समान है। यानी जैसे हम कहीं किसी जगह थकने के बाद रुकते हैं, वैसे ही हम जीवन रूपी यात्रा जो है हमारी, जन्म लेना और जन्म से फिर बहुत सारी क्रियाकलाप करके बड़े होते, शादी होती, फिर और भी अन्य जो होते हैं, इस प्रकार से हम पूरी जीवन यात्रा में जो थक जाते हैं, उसका जो अंतिम विश्राम स्थल है वो मृत्यु है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें मृत्यु का निर्भय होकर स्वागत करना चाहिए। अब आगे देखें, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संवल। अब कभी यहां क्या कहते हैं सुने, कि मृत्यु तो वो स्थान, वो विश्राम स्थल है जहां से जीव, जीव यानी प्रत्येक व्यक्ति जिसके अंदर जीव है, जी है, जान है, वो व्यक्ति जीव जहां से फिर चलता है, यानी उस मृत्यु रूपी विश्राम स्थल से मृत्यु के बाद व्यक्ति अपनी फिर से यात्रा शुरू करता है। और क्या धारण कर नव जीवन संबल, संबल माने आधार या सहारा, नए जीवन को धारण करके, यानी नए जीवन का सहारा धारण करके फिर नई यात्रा में व्यक्ति निकलता है, अर्थात मृत्यु रूपी विश्राम स्थल से उठता है और फिर अपनी यात्रा शुरू करता है नया जीवन धारण करके। अब कभी क्या कहते हैं आगे, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। और कभी कहते हैं मृत्यु तो एक सरिता है अर्थात नदी है जिसमें श्रम से कातर, कातर माने होता है दुखी, श्रम माने होता है परिश्रम, कि जिसमें श्रम से कातर यानी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परिश्रम कर चुका हो, उस परिश्रम से जब व्यक्ति कोई थक जाता है यानी दुखी होता है, तो उस सरिता में जब कोई व्यक्ति, थका हुआ व्यक्ति स्नान करता है, यानी कोई जीव जब स्नान करता है तो उसमें तरोताजगी आ जाती ना, उसी प्रकार से मृत्यु एक सरिता के समान है जिसमें जीव अपनी पूरी जीवन भर की लंबी यात्रा में थकने के बाद नहाकर विश्राम पाता है। और फिर कभी क्या कहते हैं सुनो, जय महाकाल, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र प्रभा बहाकर। और कभी कहते हैं फिर नूतन माने नया, नया धारण करता है क्या, शरीर, काया रूपी वस्त्र। ये काया माने शरीर, जो शरीर रूपी ये वस्त्र है, ये मृत्यु होने के बाद फिर नया जो शरीर मिलता है वो वस्त्र धारण करके, और व्यक्ति फिर एक नया जन्म, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। जो शरीर रूपी वस्त्र है वो उसी मृत्यु रूपी सरिता में, नदी में बहा देता है, एक नया शरीर धारण करके व्यक्ति आगे बढ़ता है, यानी नया जीवन धारण करता है। जय महाकाल। अब पढ़ो आगे, अगला पद क्या है, अगला पद देखें, अगले पद में प्रेम अपने उच्च स्तर पर कब पहुंचता है, या प्रेम के लिए आवश्यक चीज क्या है, यह इसमें बताया गया है। यानी बिना त्याग के, बिना बलिदान के प्रेम सच्चा नहीं माना जाता, तो अब समझे। अब कभी इसमें क्या कहते हैं समझे, जय महाकाल। कभी कहते हैं सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। अब कभी कहते हैं जो सच्चा प्रेम है ना, वो वह प्रेम है जिसकी तृप्ति यानी संतुष्टि, जिसकी पूर्ति कब हो, आत्मबलि पर हो निर्भर। यानी जिसकी पूर्ति किस चीज पर निर्भर है, आत्मबलि यानी स्वयं के बलिदान पर। यानी सच्चे प्रेम में जब तक समर्पण ना हो, आत्मसमर्पण ना हो, तब तक वो प्रेम सच्चा नहीं माना जाएगा। और फिर कभी आगे क्या कहते हैं, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम का प्रेम पर प्राण निछावर। ये वही राधा कृष्ण वाले प्रेम की बात हो रही, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, कि बिना त्याग के जो प्रेम है वो निष्प्राण है। यानी यदि हम देश के प्रति त्याग की भावना नहीं रखते, तो हमारा जो, अब कौन से त्याग की, सुख दुख त्यागने की भावना, यानी व्यक्तिगत स्वार्थ सुख के त्याग की भावना जब तक हमारे पास नहीं होगी, तो हमारा जो प्रेम है वो निष्प्राण रहेगा। और करो प्रेम पर प्राण निछावर, कि हमें इस तरीके से देश के लिए प्रेम में अपने प्राण निछावर करने तक के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर कभी आगे क्या कहते हैं सुने, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से बिलषित। जो देश प्रेम है वह पुण्य क्षेत्र है,
कि जो अमल असीम, अमल माने जिसमें कोई मल ना हो यानी शुद्ध, असीम जिसकी कोई सीमा ना हो, त्याग से विलसित, विलसित माने खिला हुआ या सुशोभित, यानी ये जो देश प्रेम है वो तो उस भूमि, उस पुण्य भूमि के जैसा है जो पुण्य भूमि सुशोभित होती है असीम त्याग से, यानी पवित्र अमल माने पवित्र, असीम त्याग से जो विकसित होती है, सुशोभित होती है, वह पुण्य क्षेत्र है ये देश प्रेम। फिर आगे कभी क्या कहते हैं, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, यानी और ऐसे देश में मनुष्यता तभी विकसित होती है जब आत्मा का विकास हो, यानी जिसकी आत्मा जितनी विकसित होगी वो उतना ही ज्यादा मनुष्य बन जाएगा, उतना ही उसमें देश प्रेम की भावना आ जाएगी। तो इस तरीके से ये जो कविता है वो यहीं समाप्त होती है। आशा है इस कविता का आपने बहुत ही आनंद उठाया होगा। तो इस कविता को, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक तो बनता ही है, और साथ ही साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य भी इसका आनंद उठा सकें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतनी अच्छी व्याख्या के बाद भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर इससे अच्छी व्याख्या नहीं हो सकती, इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बेल आइकन भी हिट करें जिससे आगे जो भी हम वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको सबसे पहले वीडियो मिले। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।